हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आए हो आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ कि आप मेरी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं। जो लोग नए हैं मैं उनको बता देती हूँ, मैं स्टोरी सुनाती हूँ, चाहे वो आपका पर्सनल कोई एक्सपीरियंस है भगवान को लेकर, या कुछ आपके साथ ऐसी घटना हुई हो जिसने आपको बिलीव करने के लिए मजबूर कर दिया हो कि भगवान होते हैं। तो देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करती हूँ। तो ये कहानी हमें भेजी है रवि किशन ने, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। आप सब जानते हैं दिल्ली बहुत तेजी से चलती है, दिल्ली किसी के लिए रुकती नहीं है। मैं खुद दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। तो रवि किशन बताते हैं, जैसे कि उनकी फैमिली में सिर्फ 3 मेंबर्स थे, रवि किशन, उनकी मम्मी और उनके फादर। उनके फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रवि किशन 27 साल का हो चुका था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, वरना मैं कोई जॉब नहीं करूंगा। टाइम बीतता गया। रवि किशन की मम्मी ने कहा कि बेटा अब टाइम आ गया है, अब तुम जॉब लो, चाहे तुम कैसी भी जॉब करो, लेकिन अब तुम अपने पैरों पे खड़े हो। रवि किशन सिर्फ अपने निखट्टू दोस्तों के साथ लगा रहता था घूमने फिरने, और जहां तक कि उसके पेरेंट्स की बात थी, वो भी मॉडर्न टाइप के थे, तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे। सिंपली कभी कोई फेस्टिवल होता था तो वो पूजा पाठ करते थे। तो रवि किशन के अंदर वो सब चीजें नहीं थी, जैसे कोई जाप पूजा पाठ करना, वो इवन कुछ भी नहीं करता था, मांसाहार खाना, ड्रिंक वगैरह सब कुछ। मतलब उसके जो दोस्त थे वो सब ये करते थे, जिसकी वजह से रवि किशन बिल्कुल बिगड़ गया था। उसको कोई मतलब नहीं था काम धाम का, सिर्फ फालतू घूमना। रवि किशन की मदर उसको बहुत समझाती रही कि बेटा अब तुम काम कर लो, अपने दोस्तों के साथ छोड़ दो, अब काम पे ध्यान दो। तब भी कुछ नहीं हुआ। जनवरी 2022 में बताते हैं रवि किशन कि उनकी मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ। अब वक्त बदला, माँ बाप का जो पैसा था, पूंजी थी, वो काफी कुछ माँ के इलाज में लगने लगी। इतना पैसा लगने लगा कि अब जो उनके फादर थे उन्होंने भी अपना अमाउंट निकलवाया और मदर के एक्सपेंसेस में लगवाया। अब ये नौबत आ गई कि उनके घर में उन्हें लोन भी लेना पड़ रहा था। तब उसकी मदर ने समझाया, बेटा अब तुम जॉब करो। अब रवि किशन जॉब ढूंढने लगा प्राइवेट, बट हर जगह उसको नाकामी मिली, कोई भी जॉब उसको नहीं मिल पा रही थी। वो बताते हैं मार्च 2022 में उनकी मदर का देहांत हो गया। उनके साथ जो इश्यू हुआ वो ये हुआ, एक तो माँ चल बसी, ऊपर से उनके पास जॉब नहीं, फादर के पास भी फंड्स नहीं होने की वजह से वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। नॉर्मली बड़ी मुश्किल से उनका घर चल रहा था। अब जो रवि किशन था उसने अपने दोस्तों से सहायता मांगी, लेकिन अब दोस्त भी, जिन लोगों के लिए उसने इतना पैसा खर्च किया था, अब वो दोस्त भी किनारे हो चुके थे। सबने रवि किशन का टाइम आने पर साथ छोड़ दिया। अब रवि किशन डिप्रेशन की तरफ जा रहा था, बड़ा ही परेशान था। तभी उसने कहीं से सुना कि जब लाइफ इतनी खराब हो जाती है, जब हमें लगने लगता है कि अब हमारा कुछ भी नहीं बचा है, तो हमें सिर्फ भगवान का हाथ थाम लेना चाहिए। रवि किशन बताते हैं कि उन्होंने माँ के जाने के बाद, जॉब ना होने के बाद, एक घर में जो वक्त गुजारा, उनको कभी कभार ऐसा लगता था कि मैं अपनी नस काट लूं या मैं मर जाऊं, बहुत सारे मन में ख्याल आते थे। लेकिन जब उनको ऐसा लगा कि जब कुछ भी नहीं बचा है और लोग कह रहे हैं कि क्या पता कोई जब कोई नाम आपका कुछ बदल सकता है, तो उन्होंने तभी किसी के कहने से सीताराम का नाम का जाप करना शुरू किया। रवि किशन बताते हैं एक ऐसा समय आया, वो घंटों तक सीताराम 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 का जाप करते रहते थे। तुलसी की माला ले रखी थी, 3-3 घंटे 4-4 घंटे कब हो जाते थे उनको पता ही नहीं लगता था, बस वो जाप करते रहते थे। 3-4 दिन के बाद उनकी समस्या थोड़ी सुलझी, उनका दिमाग एक तरफ हुआ, दोबारा जॉब के लिए अप्लाई किया, प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई किया। अब प्राइवेट जॉब उनको मिल भी गई। रवि किशन अपना एक्सपीरियंस हमें ऐसे बताते हैं कि वो जो टाइम था ना, मुझे रियलाइज हुआ कोई नहीं होता है आपके साथ में। जब आप परेशान होते हो ना, कोई साथ नहीं होता। आपके माँ बाप जा चुके हैं अगर, तो आपका चाहे कोई कितना सगा संबंधी हो, कितना अच्छा दोस्त होता है, अगर बुरे वक्त में आपके साथ नहीं खड़ा तो वो दोस्त कहलाने लायक नहीं है।
रवि किशन ने उस दिन से अपना मोटिव बना लिया, अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करना है, अपना काम करना है, भगवान का नाम लेना है और अपनी फैमिली के बारे में सोचना है। ये जो फालतूगिरी है सब छोड़ दी, सिर्फ राम नाम। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप पूरा दिन करो। एक माला करने में कितना समय लगता है? कोई ज्यादा समय नहीं लगता, 15-20 मिनट। इतना तो आप रील्स जब चलाते हो ना इंस्टाग्राम पे, उतना लग जाता है। तो आप कोशिश करो, ट्राई करो, इसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैडम हम इतना करते हैं हमारा कुछ नहीं हुआ, तो क्या नुकसान हुआ आपका? क्या आपने राम का नाम लिया तो क्या आपका कोई नुकसान हुआ? नहीं ना। तो क्या हुआ, अगर आज फायदा नहीं हुआ तो कल फायदा हो सकता है। आज भी फायदा नहीं हुआ, कल भी फायदा नहीं हुआ, तो एक फायदा जरूर होगा। जब कहते हैं ना संसार से जाते हैं ना, तो ना पैसा जाता है, ना धन दौलत और ना सगे संबंधी, ना रिश्तेदार, जाता है तो सिर्फ राम का नाम। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, ये बताना ना भूलिए कि आप किस स्टेट से ये वीडियोस देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।